अरे राहुल, मैंने अपनी बैलगाड़ी के बैलों की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है। सही से पकड़े रहना, समझे? अगर बैल दाएं बाएं भागे बता देना। और अपना गांव के मेले में पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल के तैयार रखो। मेरे किराए के पूरे 50-50 रुपए निकाल के तैयार रखो। अरे मोदी जी, 50-50 रुपए ज्यादा ना मांग रहे हो? 50 रुपए में तो हम गाँव का पूरा मेला घूम लेंगे। अरे मैं भी लालू जी की बातों में आ गया। इन्होंने बताया दूसरे गाँव में बहुत भारी मेला लगा है, देखने के लिए मोदी जी अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे हैं। बैलगाड़ी पे बैठा के ले जाएंगे सस्ते किराए पे। लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक सवारी से 50 रुपए का किराया लोगे? मैं तो मेला देखने कभी नहीं जाता। अरे भाई मोदी जी, तुमने सवारी भी बहुत बैठा रखी है अपनी बैलगाड़ी में। बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, हमें तो बिल्कुल पीछे बैठा दिया है। ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाए। अरे राहुल, इस बार अपना मेले में जाके सबसे पहले तो सर्कस देखेंगे, उसके बाद ऊंचा वाला झूला झूलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मेले में अपना ऊंचा वाला झूला नहीं झूल पाए थे। तुम कह रहे थे मुझे डर बहुत लगता है ऊंचे वाले झूले से, इस बार झूलेंगे अपना लोग। नहीं मेरे बेटे राहुल, योगी जी की बातों में मत आना। तू ऊंचा वाला झूला मत झूलना, बहुत डर लगता है उस पे, मैं बचपन में झूली थी। अरे मोदी जी, तुम्हारा ध्यान किधर है? सामने देखो, सामने कोई अपनी बैलगाड़ी रुकवा रहा है। क्या रोक लूं बैलगाड़ी को? रोको भाई, रोको बैलगाड़ी को, रोको। जी सर जी, बोलिए क्या बात है? अरे तुम अपने बैलों की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, इतनी सवारी लाद के ले जा रहे हो अपनी बैलगाड़ी में। अरे सर जी, हम तो बैलगाड़ी में इससे ज्यादा सामान ढोते हैं। हम सब लोग इकट्ठे होके पास के गाँव में मेला देखने के लिए जा रहे हैं। पास के गाँव में मेला लगा हुआ है, आपको मालूम ही होगा। अरे भाई, इस पे सामान ढोने की अलग बात है, तुम इस पर सवारी इतनी बैठाल कर क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे जी सर जी, कैसी बात करती हूँ? बैलगाड़ी का भी कोई चालान कटता है? हाँ भाई कटता है, मैं काटूंगा तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान, अभी काटूंगा। तुमने सामान ढोने वाली बैलगाड़ी को सवारी गाड़ी बना रखा है, कहीं तुम सवारियों से किराया तो नहीं लेते हो? अरे सर जी, ये किराया लेते हैं, 50 रुपए सवारी किराया लेते हैं। ये 50 रुपए में ले जा रहे हैं हमें मेले में। अरे उबैसी जी, कौन सी मनुष्यगणी में मैंने अपनी बैलगाड़ी में तुम्हें बैठा लिया? कटवा दिया मेरी बैलगाड़ी का चालान। महीनों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, कल अपनों ने जिस खेत की जुताई की थी उसमें हल तो बहुत मुलायम चल रहा था, लेकिन इस वाले खेत की मट्टी बहुत टाइट है, बहुत सख्त मट्टी है। बिल्कुल हल खींचे से नहीं खींच रहा है, मुझसे और अखिलेश से। हम नहीं खींचेंगे हल, हम छोड़ के जा रहे हैं यहीं पे। राहुल, तुम इसी तरीके से बहाने करते हो, तुम बहुत बहानेबाज होते जा रहे हो। और अभी तुम क्या कह रहे थे, कल खेत में हल मुलायम चल रहा था? पहली बात ये बताओ, कल तो तुम पीछे खड़े थे जैसे मैं खड़ा हूँ, कल तो मैं खींच रहा था हल को, तो मुलायम और सख्त कैसे पता चल गया तुम्हें? अरे कल मैंने और अखिलेश ने हल खींचा था, अखिलेश बेचारा तो आज भी हल खींच रहा है। तुम्हारे बहुत बहाने हो गए, तुम खेत में काम ही नहीं करना चाहती हो। हाँ मोदी जी, मैं कहता हूँ इस राहुल भैया की जमीन बांट के दे दो। अरे ये हल को खींच ही नहीं रहे सही तरीके से, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, ये पीछे को चल रहे हैं। हल एक तरफ भाग रहा है, हल से जुताई कल से भी मुलायम हो रही है, बिल्कुल खींचने में पता ही नहीं चल रहा है कैसे चल रहा है हल। ये राहुल भाई तो बहानेबाज हो गए, ये तो मेहनत करना ही नहीं चाहते। इनकी जमीन बांट उठ के अलग करो। ये जमीन अपनों ने तीनों लोगों ने साझे में खरीदी थी, मिलके खरीदी थी, तीनों का बराबर हिस्सा है, इनका हिस्सा इन्हीं को दे दो। अरे भाई मैं कम मेहनत करता हूँ मैं। अरे कल बाजार से बीज खरीद के कौन लाया जो इस खेत में बोना है, और खाद कौन लेके आया था, ये सब काम तो मैं करता हूँ। तुम सब तो बेफालतू की मेहनत करते हो, बस मुझसे मेहनत का काम नहीं होगा भाई, मैं कह देता हूँ मेरी जमीन बांट के दे दो। चलो भाई राहुल, तुम कहते हो तो बांट के दे देंगे तुम्हें जमीन, लेकिन तुम मेहनत कम करते हो हम तीनों में, और फसल में बराबर का हिस्सा लेते हो। अरे हल्को अकेले तुम अकेले ही थोड़ी खींचती हो, कभी मैं खींचता हूँ, कभी अखिलेश खींचता है, मिल बांट के अपना मेहनत करती है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेहनत अपनी ज्यादा लगती है। चलो मैं सोच रहा था इस जमीन के टुकड़े ना हो, अब टुकड़े करना ही पड़ेंगे, तुम्हें बांट के जमीन दे दूंगा शाम तक। बस यही होगा, थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, बैल खरीदना पड़ जाएंगे खेत की जुताई के लिए। वैसे मिल बांट के खेत की जुताई कर लिया करते थे अपना लोग, जैसे अभी कर रहे हैं। अरे नहीं मोदी जी, जमीन के टुकड़े मत करो, मत दो बांट के मुझे जमीन। अरे मेरे कौन अकेले खेत को जोतेगा, अभी तो अपना तीनों लोग मिल बांट के खेत को जोत तो लेते हैं। अब मैं बराबर की मेहनत करूंगा। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।